दिल्ली में हुई हिंसा में सोमवार को जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल का उनके पैतृक गांव तिहावली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके 7 साल के बेटे राम ने मुखाग्नि दी। रतन लाल की पार्थिव देह जब तिहावली पहुंची तो ग्रामीणों ने उनके घर से करीब 15 किलोमीटर दूर ही शव वाहन को रोक लिया। ग्रामीणों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान सांसद सुमेध आनंद सरस्वती भी वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्रामीणों की मांग मान ली है, रतन लाल को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और शहीद के परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं भी उन्हें दी जाएगी। परिवार से एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। तिहावली गांव में रतनलाल की मां और छोटा भाई रहता है। रतनलाल ने 22 फरवरी को परिवार के साथ दिल्ली में विवाह की वर्षगांठ मनाई। दिल्ली में रतनलाल की पत्नी पूनम बार बार बेसुध हो रही थी। छोटे भाई दिनेश ने बताया कि केंद्रीय स्कूल में पढ़ने वाले तीनों बच्चे 12 वर्षीय बेटी रिधि, 10 वर्षीय बेटी कनक व 7 साल के बेटे राम को पड़ोसी संभाल रहे हैं। दिनेश ने बताया कि भैया सोमवार का उपवास रखते थे, घटना के दिन भी सोमवार होने से उनका व्रत था, इसलिए वे 11 बजे घर से ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। ट्रेनिंग के बाद रॉबर्ट वाड्रा की सिक्योरिटी में लगे 1998 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने वाले रतनलाल को पहली बार में ही रॉबर्ट वाड्रा की सिक्योरिटी में लगाया गया। 2 साल पहले ही हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हुई थी। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।